तज़किया के तो ये छठा है प्रैक्टिकल स्टेप्स उसमें हमने शुरू किया था रिव्यू जो कि आपके पास पीडीएफ में होगा इन देख सकते हैं और हमने देखा था कि प्रोसेस है तजकिया तस, का जिसमें हम सबसे पहले अपने आप को पहचानेंगे और जब अपने आप को पहचानते हैं तो हमें मायूस नहीं होना चाहिए क्योंकि ज़ाहिर जब नजर हम अंदर की तरफ डालेंगे तो हो सकता है यकीन कुछ गलतियां नजर आएंगी कुछ कमियां हमें वाजे हो जाएंगी अपने अमाल में और अपने ईमान में तो कभी कभी ऐसे होता है कि शैतान इस ज़रिए से इंसान को इतना मायूस कर देता है कि अमल छोड़ देता है उम्मीद छोड़ देता है इंसान लेकिन कुरान की आयत अल्लाह तक अल्लाह ताला की रहमत से कभी मायूस मत होएगा तो मैं प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ऑफ तर्ज किया जिक्र करने से पहले मैं ये सम, हम सब हम सबको याद दिलाना चाह रहा था कि हमें बिल्कुल अल्लाह ताला पे यकीन रखना चाहिए कि अगर हम कोशिश कर रहे हैं मरते दम तक हमने कोशिश करनी है अल्लाह ताला को पहचानने की और दिन पर अमल करने की अल्लाह ताला को वो कोशिश पसंद आ जाए तो हमारे हमें अपनी रहमत में ले लेंगे हम अपने अमाल से नहीं हम जा सकते जन्नत में। ठीक है तो ये हमने लास्ट टाइम बात की थी और फिर यह हदीस थी तिर्मिजी, इमाम तिर्मिजी की इमाम तरमजी की भाई समझदार और अकमंद वो है जो अपने नफ्स पे काबू करे और आखरत के लिए काम करे और और फजूल और बेवकूफ़ इंसान वो है जो अपनी ख्वाहिश को हवा दे और उनके पीछे लगा रहे और उसके बावजूद अल्लाह ताला से तो रखे कि अल्लाह ताला मेरे साथ बहुत अच्छा करेंगे हालाँकि नफ्स के पीछे हम चल रहे हैं ठीक है ना कोशिश भी ना करें सही रस्ते पर और उसके बावजूद हम गलत उम्मीद रखें तो ये हदीस है तो फिर हमने बात की थी कि प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स क्या हैं ज़िक्र और दुआ है मुजाहिदा है और खलबा और तफक्कुर है तो लास्ट टाइम हमने फिर एंड पे जिक्र और दुआ पे थोड़ी तो सी बात की थी जिसमें हमने कहा था कि नमाज के बाद बहुत ज़रूरी है कि हर नमाज के बाद दो तीन मिनट जो है बैठ के हम मखसूस अजगार करें और फिर सुबह और शाम भी ठीक है और वुदू से शुरू किया था हमने ये इमाम अबू सॉरी इमाम गज़ाली ने नसीहतें दी हैं कि भाई जब आप हर वजू के हिस्से में आप करें आप अब कूली करें हाथ धोएं तो कोशिश करें देहान अल्लाह ताला की तरफ रहे तो ये दुआएं उन्होंने पेश की थी कि भाई अगर आप ये ऐसी दुआ मांगें तो आपके लिए अच्छा रहेगा फिर नमाज के बाद वाली दुआ जो दुआएं जो हैं जिक्र हैं ये मैंने दिया था और आमिर ने अमर भाई ने लास्ट टाइम उसका उर्दू तर्जमा भी फाइल्स भेजी थी सबको अलहदुल्ला अच्छा तो यहाँ तक हम पहुंचे थे लास्ट टाइम तो आज हम इस टॉपिक पे बात करेंगे कि तजकिया प्रैक्टिकली उस वो एक्चुअली एक साइकिल है जिसमें इल्म सबसे पहले बहुत जरूरी है ठीक है ना और इल्म का भी एक प्रोसेस है कैसे हम उसको हासिल करते हैं उस फिर अमल करते हैं फिर बार बार उसकी तरफ जाते हैं ठीक है ना उसका एक प्रोसेस है उस इल्म के मुताबिक जो है फिर हमने कोशिश करनी है यानी मुजाहिदा और वो मुजाह वो खुद एक साइकिल है जो कि इंशाल्लाह अभी हम बात करते हैं कि वो वो क्या है उसकी उसकी क्या नौयत है और तौबा की भी एक लिंक है तो ये तीन चीजें हैं जो कि हमने लास्ट टाइम में बात की थी सबसे पहले हम तौबा से शुरू करते हैं ठीक है ना तौबा उस वक्त करेंगे जब हमारे पास इल्म होगा तो आप देख रहे हैं कि जो है हर तरफ जा रहे हैं म की बिना पे जो है हम मुजाहिदा भी करेंगे इल्म की बिना पे फिर हमें एहसास होगा कि हमने गुना किए क्यों हमें पता लगेगा कि गुना क्या होता है तो फिर हम तोबा करेंगे तो तौबा का बायदा प्रोसेस है जिसका हमने पहले जिक्र किया था तो ये तीन चीजें जो है बुनियादी तौर पर तजकिया का साइकिल है ठीक है ना तो इसमें हम तीनों पर हमने मेहनत करनी है मसलसल तो इलम तो हम समझते हैं ठीक है ना कि हम आ, इलमी महफलों में बैठें किताबें पढ़ें जिसका हम इन जैसे कि ये क्लास है आमिर भाई की जिसके हम हमारा तल्लु अल्लाह ताला से पैदा हो रहा है हमारा तल्लु हमारी तारीख से पैदा हो रहा है हज़ुर पाक वसम की तारीख से और ताबीन और तब ताबीन और जो सल्फ और साल लोग थे हमारे माजी में उनको हम जानेंगे पहचानेंगे कि उन्होंने कैसे अपनी ज़िंदियाँ गुजारी उन्होंने कैसे दीन अमल किया ठीक है ना तो इम का सिलसिला चल रहा है और तोबा की हमने बात की थी जब हमने गुनाहों की बात की थी ठीक ना कि दिल को साफ करने का जब जिक्र किया था ना हमने कि पहले दिल साफ किया जाता है तो तोबा की जरूरत होती है अब हम इन आज मुजाहिदा पे थोड़ा पेरा फिक्र करेंगे तो मुजाहिदा का जैसे कि पिछली स्लाइड में मैंने कहा मुज़ाहिदा का अपना साइकिल है सबसे पहले मुशारता यानी कि शर्त लगाना अपने अपने आपके साथ यानी एक अग्रीमेंट आप समझ लें कि आपने अपने गोल्स क्या है So, आप ये जो मुजाहिदा का साइकल है ये मुख्तलिफ लेवल्स पे हम कर सकते हैं फॉर एग्जाम्पल बुनियादी तौर पर अगर हम रोज ये करें तो बेहतरीन तरीका है तो सुबह जब उठें फज्र की नमाज के बाद एक लम्हे के लिए बैठें हम लिखें या वैसे ही सोचें दिल में कि भाई आज मैंने क्या करना है तजकिए के नजरिए यानी कि मैंने अपने मुजाहिदा जो दीन के लिए करना है अल्लाह तक पहचानने के लिए अपने गुनाहों को कम करने के लिए तोबा करने के लिए अच्छी आ, अच्छा अखलाक अपनी जिंदगी में लाने के लिए इन सब चीजों में आज मैंने क्या गोल्स रखने अपने सामने ये मुशारता होता है सबसे पहले दिन में ये होता है फिर दिन के दौरान जो है हमें मुराकबा करना है यानी केवेंशन विजिलेंस की थ्रू आउट ताकि जो हम गोल्स हैं वो हम कर पाए फिर एंड ऑफ द डे में हमने असेसमेंट करनी है अपनी मुहासबा अपना हिसाब करना है टिपिकली ये ईशा की नमाज के बाद सोने से पहले जो है जैसे लोग डेली जर्नल लिखते हैं ठीक है ना सुबह उठते हैं अब आप प्रैक्टिकली तौर पे आप देखें सेक्यूलर तौर पे लोग ये करते हैं सुबह उठते हैं कहते हैं आई एम गोना दिस टुडे पूरे दिन वो कोशिश करते हैं फिर एंड ऑफ द डे बैठ के कहते हैं कि भाई जर्नल में लिखते हैं कि मैंने ये कोशिश की थी यहाँ मैं कामयाब हुआ यहाँ मैं नाकाम हुआ कल मैं इन शाह ये कोशिश करूंगा जस्ट फ्राम अ सेक्युलर परस्पेक्टिव हमें जो है ये दीन के नजरिए से भी करना चाहिए ठीक है ना तो मुहासबा जो है वो असेसमेंट है अच्छा अब जब असेसमेंट हो जाए एहसास हो जाए कि कहां हम कामयाब थे कहां हम नाकाम रहे हैं तो फिर जो है हमें अपने नफ्स को डिसिप्लिन करना बहुत जरूरी है उसको माकबा कहते हैं पनिशमेंट अच्छा अब ये इसकी शक्ल जो है क्या हो सकती है या हर हर बंदा अपने अपने आप सोच सकता है मिसाल के तौर आई गिव यू वन एग्जांपल एंड आई दिस इज एन आर्टिफिशियल एग्जांपल लेकिन अगर मिसाल के तौर तो पे मैंने सुबह उठ के ये मुश ये शर्त लगाई अपने ऊपर कि आज मैंने थोड़ा सा खाना कम खाना है क्योंकि हमें पता है कि कम खाना कम बोलना कम सोना जो है हमारे हमारे लिए बेहतर है हमारे दिल की सफाई के लिए बेहतर है ताकि नूर हमारे दिल में आए ताकि हम अल्लाह तला को पहचाने पहले हम बातें कर चुके हैं ठीक है ना तजकिया के जिक्र में तो मैं चाहता हूँ कि भाई मैं जो है अब थोड़ा सा आज खाना कम खाऊंगा अब इसका मतलब ये नहीं है कि तीन वक्त का खाना खा रहा हूँ एक वक्त एकदम से खाऊंगा नहीं थोड़ी सी मकदार कम कर दें नाश्ता वही करें दोपहर का खाना वही खाएं शाम के खाने में बजाय तीन रोटियां खाने के दो रोटियां खा लें या ढाई रोटी खा लें दिस इज सिली एग्जाम्पल बट इट्स अ इट्सल एग्जाम्पल दिस इज वी हैव टू डू स्टेप बाय स्टेप थोड़ा थोड़ा कदम लेके ना जैसे कि हम शुरू में लास्ट टाइम हदीस पढ़ी थी कि अल्लाह ताला को वो अमल पसंद है जो थोड़ा मुसलसल किया जाए बेशक थोड़ा ही क्यों ना हो सो so, थोड़ा थोड़ा सा थोड़ा थोड़ा सा थोड़ा हम इस तरह अमल करेंगे रोज तो हम इनशा फलाह की तरफ चलते रहेंगे अच्छा अब हमने शर्त लगाई है सुबह के टाइम पे आज मैंने थोड़ा सा कम खाना है अच्छा अब दिन आया दिन गुजर गया दिन के दौरान हम गफलत की हालत में हमने गुजारा हम मुराकबा नहीं कर पाए और जनाब यू you नो know, दोस्त का फ़ोन आया यार चलो हम खाना खाने जाते हैं तो हम दोपहर का खाना बाहर खाने चले गए पेट भर के खाना खाया आके सो गए इतने, इतने इतने इतना ज़्यादा खा लिया फिर शाम के इत, इत, इतनी वो आ, सुस्ती होगी कि शाम के टाइम जो है हम कुछ नहीं कर पाए एक्सरसाइज नहीं किया फिर खाने का टाइम है और फिर जनाब टिका के खाना खाया ठीक है ना और बजाय तीन रोटियां खाने के बजाय वो जो टारगेट जो था बजाय तीन से ढाई की तरफ आने के लिए हम चार की तरफ चले गए ऐसे होता है ऐसे हो सकता है क्योंकि हम कमजोर इंसान हैं ठीक है ना अब ये जो मकबा का सेक्शन है ये जब मुहासबा हम करेंगे शाम को कि हम देखेंगे ओ ओ ये क्या हुआ आज करना तो ये था हुआ है कुछ और अब अगर हमने अपने नफ्स को सजा ना दी तो हम कहीं के नहीं रहेंगे नफ्स जो है हम एक्चुअली हम नफ्स को ज्यादा पाल रहे हैं ठीक है ना हम बजाय कम खाने के हमने ज्यादा खाया और उसका कोई अंजाम भी नहीं हुआ ठीक है ना कोई नुकसान भी नहीं हुआ नफ्स को अब नफ्स जो है फूल रहा है ठीक है ना तो ये गलत तरीका है तरीका ये है कि अगर हम रात को मुहासबा करें हमें एहसास हो कि भाई गलती हुई है अब हम सोचेंगे भाई नफ्स को कैसे हम पनिशमेंट दें एक तरीका यह है कि कल रोजा रखें लिटरली मा ये कहते हैं कि अगर हम खाने में कमज़ोर हैं इस मामले में कमजोर हैं तो हम नीयत रखें कि हमने कल पीर का देना है हमने सुन्नत के मुताबिक जो है रोज़ा रखना है ठीक है तो ये एक एग्जाम्पल है ठीक है ना कि इस साइकिल का कि कैसे वो साइकिल हो सकती है अब जाहिर है कि अगर आप इस तरीके को अख्तियार करेंगे जो कि ने हमें बताया अकेले करना मुश्किल है बहुत ज़रूरी है कि किसी उस्ताद के साथ आ, किसी शेख के साथ बैठ के जिस पे हम इतबार करते हैं जो ऑलरेडी तज़किया के रस्ते पर चल कई सालों से चल रहे हैं उनसे हम मशवरा करें उनसे हम ये बातें शेयर करें वो फिर हमें हमारे हमको पहचान के जो है हमारी ख़ूबियों को पहचान के हमारी कमजोरियों को जानते हुए उनको नुक नज़र रखते हुए वो फिर हमें अच्छी नसीहत दे सकते हैं कि भाई कौन सी शर्त पे हमें अमल करने की जरूरत है ठीक है ना अगर उसमें हम नाकाम हुए हैं तो किस किस्म की सजा होनी चाहिए ठीक है सो दिस इज नॉट समथिंग कि हम 100 परसेंट अपने ऊपर छोड़ सकते हैं कि हम जैसे जी चाय करें ठीक है ना इसके इसका एक नॉलेज है इसका एक प्रैक्टिस है इसका एक तजर्बा है जिन लोगों के पास तजर्बा है उनसे हमें ये बातें सीखनी चाहिए लेकिन थियोरेटिकली ये हमारा प्रोसेस है और बुनियादी तौर पे जब हम शुरू करते हैं हम खुद ही शुरू कर सकते हैं ठीक है ना हमें खुद पता है कि भाई हमने क्या किया है हम क्या करना चाहते हैं हमारी कमजोरी क्या है अगर हम अपने आप के साथ सच्चे दिल से ये हमने ये कदम उठाया कि भाई हमने तजकिया करना ही करना है आप तो शुरू में हम खुद कर सकते हैं अच्छा तो आ, बड़ा इंटरेस्टिंग जो मैंने पहली दफा स्टडी किया था मुझे एहसास हुआ था कि अब जो लोग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट को जानते हैं एक सेकेंड के लिए मैं थोड़ा डाइवर्ट करना चाहता हूँ जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट को जानते हैं आपने भी पहचान लिया होगा This is the um, agile cycle of development. Jo uh, software agility hai and business agility hai jo ke, actually I teach this in uh every day <laughs> uh, software agility or business agility or coaching karna, business world. There's a cycle of plan, do, check, and adjust, and then you plan again. And we try to do this on a short time frame. Okay. एज uh, ऑल जो है उसका 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 उसकी बुना बुनियाद ही यही है कि हम थोड़ा सा अमल करें जो कि हमारे हदीस में हम हम बताए कि ये है ठीक है ना थोड़ा सा अमल करें पहले हम सोचेंगे हमने करना क्या है फिर हम उस पर अमल करें फिर उसका हिसाब करें और हिसाब के मुताबिक जो है फिर हम लाया अमल इख्तियार बदलें ठीक है ना वी चेंज है एंड यूजअली सॉफ्टवेयर में ये दो हफ्ते का पीरियड होता है वो तो स्प्रिंट होता है इटोरेशन होता है जिसे हम सॉफ्टवेयर बनाते हैं पहले दिन आधा दिन बैठ के हम प्लानिंग करते हैं कि इस हफ्ते दो हफ्ते में हमने बनाना क्या सॉफ्टवेयर फिर हम डेली जो है उस पर रोज स्टैंड अप होता है जिसमें हम चेक करते रहते हैं कि भाई कैसा चल रहा है कि हेल्प की जरूरत तो नहीं है फिर एंड पे जो हम हिसाब करते हैं रेट्रोस्पेक्टिव करते हैं और फिर हम एडजस्ट करते हैं कि भाई नेक्स्ट टू वीक्स जो है हम कैसे गुजारेंगे सो दैट इज सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है मेथोडोलॉजी एंड इट इज हमें बताया हम अपना हिसाब करना चाहिए सुबह उठ के नीयत करनी चाहिए रात को सोने से पहले जिक्र करना चाहिए, तो फक्र करना चाहिए हमने कैसा डेली बेसिस ठीक है अच्छा अब सवाल ये पैदा होता है कि गोल्स किस किस्म के होने चाहिए बिगिनिंग ऑफ द डे तो एक दो कैटेगरीज है ये है जो कि हमें ज्यादा करना चाहिए ओके okay, सुबह जब उठते हैं शर्त क्या लगानी चाहिए हम इस किस्म की शर्त लगा सकते हैं हमने ज़्यादा क्या करना है नमाज ज़्यादा पढ़नी है ठीक है जो फराइज हैं उनको हमने पक्के तरह तरीके से पक, आ, पढ़ने हैं अगर हम नमाज पढ़ रहे हैं हमें फिर मस्जिद जानी चा, जाना चाहिए अगर फजर पढ़ सकते हैं इशा पढ़ सकते हैं मगरब पढ़ पढ़ सकते हैं अगर एक नमाज़ मस्जिद में पढ़ रहे हैं उसको बढ़ाएं कोशिश करें कि दो नमाज़ें मस्जिद में हों वगैरह वगैरह इसी तरह कुरान की तिलावत अगर हम नहीं पढ़ रहे तो हमें थोड़ा सा पढ़ना चाहिए ज़रूरी नहीं कि एक जुज रोज पढ़ें ठीक है ना ज़ीरो से हंड्रेड तक नहीं जा सकते अगर हम रोज कुरान नहीं कर पढ़ पा रहे तिलावत कर रहे तो हम कोशिश करें कि इतना कुरान हम पकड़ें जो कि हम रोज पढ़ सकें बजाय इसके कि भी जुमे के दिन हम सूर्य काफ पढ़ रहे हैं पूरा हफ्ता कुछ नहीं पढ़ रहे इससे बेहतर एक्चुअली अल्लाह आलम यह है कि हम थोड़ा सा कुरान रोज पढ़ें एवं हम सुरकाफ़ भी जुमे को पढ़ा करेंगे लेकिन यह कि रोज़ कुरान की तलावत होगी रोज़ हमारे ज़िंदगी में बरकत आएगी और उसको उसके उस तलावत का असर भी होगा जिक्र बढ़ा सकते हैं हम पहले पढ़ चुके हैं कि जिक्र इस कदर करो कि लोग आपको मजनून कहें कुरान में अल्फाज आते हैं कि जिक्रन कसीरा हद से ज़्यादा जिक्र करें तो इसकी कोई इंतहा नहीं है एक्चुअली जिक्र की ठीक है उसको बढ़ाएं और दुआ मांगें आपको याद होगा कि एक हमारे क्लास में एक साहब थे मैं नाम भूल गया हूँ Uh, उन्होंने तफसी हमें बताया था कि दुआ की uh, क्या तरीके हैं कई किस्में हैं और uh, पूरी प्रेजेंटेशन थी और फिर खलवा और तफक् खलवा और तफक्र का जिक्र आ, आगे इनशा मैं करूँगा लेकिन यह है कि तन्हाई में बैठना और मेडिटेशन करना सोचना कि मेरा और अल्लाह ताला का रिश्ता क्या है मैं किस रुख जा रहा हूँ अच्छा फिर हम कुछ चीजें कम की जा सकती है ये भी हमारे शर्त में हो सकता है कम खाना कम सोना कम बात करना और कम इख्तलात करना लोगों के साथ उठना बैठना पब्लिक में महफलों में ये है वो है उसका थोड़ा कम करना अच्छा अब ये सब जो है आप इसमें से कुछ भी पकड़ लें ठीक है ना कोई भी चीज आप कुछ ज्यादा करें कुछ कम करें जरूरी नहीं कि इन नौ चीजों में से एक एक को हमने रोज करना है ठीक है ना नमाज भी ज्यादा पढ़नी है कुरान भी ज्यादा पढ़ना है जिक्र भी ज्यादा करना है दुआ भी ज्यादा करनी है ठीक है ना और खाना भी कम है सोना भी कम है आप एक दिन शायद कर पाएंगे अगले दिन आप हिम्मत खा के बैठ जाएंगे ठीक है ना हिसाब से करें तसलसल जो आप तसलसल से कर सकते हैं वो आप करें लेकिन इसमें से आप पिक कर सकते हैं रोज कि आज मैंने ये थोड़ा करना है और वो चीज़ जब पक्की हो जाए फिर हम अगला कदम उठाएं और किसी और बात को पकड़ें ठीक है ना बहुत ज़रूरी है कि इन चीज़ों को हम आदतें बना दें अगर कुरान हम रोज नहीं पढ़ रहे तो थोड़ा सा पढ़ें इतना थोड़ा पढ़ें कि हम लगातार रोज हम पढ़ते रहें हती कि हमारी आदत हो जाए फिर उसको बढ़ाने में आसानी हो जाएगी ठीक है ये कोई रेस नहीं है कि हमने एक हफ्ते के अंदर जो है सब कुछ कर पाना है और हम किसी मकाम तक पहुंच जाएंगे मकसद ये है कि हम पूरी ये तो मरते दम तक हमने कोशिश करनी है और बढ़ाना है हमें अच्छा हलवा और तफक् ये था आ, बहुत इम्पोर्टेंट पहलू था तज़किया का आ, मकसद हमारा तफक् है जरिया हमारा हलवा है यानी तन्हाई के जरिए हम गौर करेंगे ठीक है इमाम गजाली ने हलवे के मतलब ये कहा है सकलूजन इज फ्रॉम फ्राम कैरेक्टर ट्रीज यानी अपने आप को दूर रखना आ, बुरे अखलाक से Its purpose is to turn bad qualities into good ones, not to withdraw from familiar places into the desert. Khalwa ka matlab ye thodi hai, ke hum door chale jayeen, kisi Adegastan mein, wotan hai mein jaake baithayen. Khalwa ka ye matlab nahi hai, balke bad akhlaq ko achay akhlaq mein tagheel karna. Thus, when someone asks Sufis about the Aarif, यानी कि जब कोई सूफियों से पूछता है कि मारफीन के, के मतलब हमें बताओ वो कहते हैं वन हु इज हियर एंड नॉट हियर यहाँ हैं लेकिन यहाँ नहीं भी यानी कि ज़ाहिरी तौर पे हम मौजूद हैं हम लोगों से मिल रहे हैं हम मुस्कुरा रहे हैं हम अच्छा खुलक दिखा रहे हैं लेकिन 24 घंटे की जिंदगी में जो जैसे कि हम ये अच्छे अखलाक दिखा रहे हैं जाहिरी तौर पे हमारा दिल जो है उन चीज़ों में नहीं है हमारा दिल जो है अल्लाह ताला के साथ है हमारा ताल्लुक जो है अंदरूनी ताल्लुक जो है हमारा अल्लाह ताला के साथ है ज़ाहरी तौर पे हम दुनिया में हैं और हम हलाल चीज़ों में हिस्सा ले रहे हैं कम्युनिटीज में हिस्सा ले रहे हैं मसाजिद में कामों में फैमिलीज में अहलोल में हम मेहनतें कर रहे हैं कोशिशें कर रहे हैं सब कुछ हो रहा है पूरा पूरा हिस्सा ले रहे हैं लेकिन दिल हमारा अल्लाह के साथ है बिन मुआद बड़े मशहूर हैं उन्होंने कहा कि आप ये सोचें कंसिडर वेदर योर इंटमसी इज योर इंटमसी विद रिट्रीट और विद हिम इन रिट्रीट यानी कि हम जब खलवा में बैठते हैं तन्हाई में बैठते हैं तो क्या हमें जो वो लज्जत और मजा आता है तन्हाई में वो तन्हाई की वजह से है कि इस वजह से कि उस तन्हाई में हम अल्लाह को पा रहे हैं अल्लाह को पहचान रहे हैं ठीक है ना If your intimacy is with retreat, it will disappear when you abandon your retreat. Okay. However, if your intimacy is with Him, yani with Allah Taala, it will persist regardless of the place you are in, be it in the desert or in the steppe Okay? If our relation with Allah Taala if we are seeking Allah Taala, if we are seeking to establish our relationship with whether we are in the desert or in the step, whether we in हमारा तलकु अल्लाह के साथ रहेगा अगर ऐसे नहीं कर रहे तो जू ही हम तन्हाई को छोड़ेंगे हम अल्लाह को भी छोड़ देंगे तो इस तन्हाई का मकसद जो है वो तफक् है जैसे कि पहले जिक्र किया खल में हमने तफक् यानी मेडिटेशन या कॉन्टम्प्लेशन करनी है इसका मकसद ये है कि हम अपने ख्याल पे काबू कर पाए तन्हाई में बैठना और तफक्र करना इस वजह से है कि हमने सोचना है कि कौन से ख्याल मेरे दिल की तरफ आ रहे हैं और दिल के अंदर दाखिल होने से पहले हम टुटोले तो उनको देखें कि भाई ये ख्याल क्या वाकई हमारे दिल हमें उसको इजाजत देनी चाहिए दिल में अंदर दाखिल होने की क्योंकि ख्याल जो हैं हमारे अकल से आते हैं आपको याद होगा वो डायग्राम रू नफ्स अकल जिसम ठीक है ना ख्याल हमारे दिल में आते हैं तीन रस्तों से एक तो हमारी अकल से आते हैं कि हमारी सोच क्या है हम खुद क्या सोच रहे हैं फिर जो है हमारा नफ्स हर वक्त वसु से भेज रहे हैं हमारे दिल की तरफ अगर हमने उसको ज्यादा खाने को दिया ज्यादा सोने को दिया है तो वो गलत चीज़ें हमें आ, की तरफ लेके जाएगा तो वो जो ख्याल आते हैं हम उनको पहचानते हैं कि नहीं हमें इस्तात भी है उनको पहचानने की कि वो जो ख्याल जो भी ख्याल आया उस पर अमल कर दिया फौरी तौर तो पर ठीक है और फिर शैतान भी वसु से डालता है दिल में तो खलवे का मतलब यह है कि हम तफक् करें हम मेडिटेशन करें और हम देखें कि हमारे दिल की क्या कैफियत है जो ख्याल आ रहे हैं किस किस्म के आ रहे हैं कहाँ से आ रहे हैं हम उनको पहचाने जब अच्छे ख्याल दिल के अंदर आएंगे तो दिल सही रोग की तरफ बदलेगा और जब अंदरूनी हकीकत हमारी बदलेगी तो जाहिर हकीकत हमारी फिर और भी बदलेगी और मकसद हमारा ये है जहरी हकीकत को बदलना कि हमने अल्लाह ताला का अब्द बनना है सही तरीके से फिक्र जो हमने आज बात की थी क्लास में कि फिक्र पे अमल करना है नमाजें पढ़नी है किस तरीके से पढ़नी है वगैरह वगैरह वो हमारी ज़ाहरी हकीकत जो है वो उस वक़्त बदलेगी जब हमारी अंदरूनी कैफियत बदलेगी और वो खलवा और तफक्कुर के जरिए हम कर सकते हैं अल्लाह ताला की निशानियाँ और अलामतें कायनात में उनको देख के उनको पहचान के उन पर तफक्कुर करने से अल्लाह तला के खासियत और नामों पे सोच के हम अपने ख्याल को पाक कर सकते हैं तो इन चीज़ों का भी तफक् हमें करना चाहिए ख़लवा में बैठ के अल्लाह तफा अल्लाह ताली के पाक नाम जो हैं, उनको सीखें इल्म जो कि हमने जिक्र किया था ना इल्म मुज़ाहिदा और तौबा अल्लाह ताली के नामों का इल्म हमारे पास होना चाहिए कि अल्लाह ताली के नाम क्या हैं अल्लाह तफाें क्या हैं उनका मतलब क्या है उनका असर हमारी ज़िंदगी में क्या होना चाहिए ये सब इल्म है उन चीज़ों पे हमें सोचना चाहिए जब तक कि हम खलबे में बैठे हुए हैं और इस हालत में हैं हमारे दिल के अंदर जो है नए ख्याल आ रहे हैं और हमारे दिल का तजकिया हो रहा है ठीक है ना एंड कीप इन माइंड हमारा मकसद जो है वो है कि हमारे अमाल पाक हो जाए हमारे अमाल दुरुस्त हो जाए इस तरतीब और, और तरीके के जरिए तो आज कल के लिए इनशा खत्म करते हैं आ, दिस इज जैसे रामर भाई ने बताया कि दिस इज द लास्ट लेसन फॉर तजिया हमारा आखिरी दस है आज और अगले हफ्ते इंशाल्लाह आमर भाई बात करेंगे कि भैया अगले हफ्ते यहाँ अमेरिका में छुट्टी है हो सकता है अगले हफ्ते क्लास हो हो सकता है एक हफ्ते तक हम आगे कर दें लेकिन खैर जब हम अगली दफ़ा मिलेंगे